मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक मकाम आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह बकरा और सूरह आराफ में बनी इसराइल की कौम का जिक्र किया है कि जिन्हें ये पाबंदी थी कि वो हफ्ते वाले दिन मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, तो उन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। तो वहाँ पर उस कौम में तीन जमातें बनी, एक वो जो खुले मुखला अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे, दूसरे वो जो उनको चंद लम्हात के लिए रोकते और फिर उसके बाद खामोश हो जाते, और तीसरे वो थे जो हर वक्त उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते थे और हर वक्त उन्हें टोकते थे कि तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, लिहाजा इस गलत काम से बाज आ जाओ। अल्लाह ने कुरान में उन लोगों का जिक्र किया कि जिन्होंने हुक्म इलाही की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनकी शक्लें तब्दील करके उन्हें तबाह बर्बाद किया, और जो मसलियत का शिकार रहे अल्लाह ने वहां पर उनका हुक्म क्यामत पे मुअल्लक फरमा दिया, और जिन लोगों ने दुनिया में उन्हें बार बार टोका अल्लाह ने उनकी कामयाबी का ऐलान किया। जब वो खामोश रहने वाले उन लोगों से कहते कि हम जब बार बार कहते हैं तो ये मानते नहीं तो तुम भी खामोश हो जाओ, उस वक्त उन लोगों ने कहा था कि हम हर वक्त हक की अजान देंगे, इन्हें इस बुरे काम से रोकेंगे, और इसलिए रोकेंगे कि कालू माजरतन इला रब्बिकुम, कल अल्लाह के दरबार में जब हम पेश हो जाएं तो हमारा उजर अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम इसलिए रोकते हैं लअल्लहुम यत्तकून, कि शायद ये डर जाए, शायद ये अपने गुनाह से तायब हो जाए। आज पाकिस्तान के इस मौजूदा दौर में जब हर तरफ अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही थी, जब सारे लोग मसलियत का शिकार हो रहे थे, उस वक्त हमारे कायदे मोहतरम ने इस अलम को बुलंद किया, हर मौका पर बातिल का मुकाबला किया। जब अपने भी ये कह रहे थे कि बात एक बार कह दी तो बस काम मुकम्मल हो गया, अब खामोश हो जाएं, मैं जलाली काफले के सवारों तुम्हें ये कहता हूँ, आज तुम बरमला इस बात का ऐलान कर दो, हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की है कि जिस वक्त भी बातिल सामने आएगा तुमने खामोश नहीं रहना, तुमने हक की अजान जरूर देनी है, ताकि कल क्यामत के दिन तुम अल्लाह के दरबार में अपना उजर तो पेश कर सको कि या रब हम अपनी ताकत के मुताबिक हर लम्हा इन्हें रोकते रहे थे और इसी कोशिश में जिंदगी बसर करते रहे थे। हमारे कायदे मोहतरम आज जो सलाखों के पीछे हैं, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने बातल को हर जगह पे ललकारा है और हक का पैगाम आम किया है। इस रास्ते में ये जेलों की पाबंदियां रुकावट नहीं बन सकती, एक वक्त आएगा जब हमारे कायदे मोहतरम बाहर आएंगे तो ये अपने और गैर इस बात को तस्लीम करेंगे कि जिस रास्ते पे जलाली था अल्लाह ने उसी रास्ते पर ही जन्नत का मकाम अता फरमाया। हक्का दाई हक्का वासिफ, अशरफ आसिफ अशरफ आसिफ, हक्का दाई हक्का वासिफ।